Hi guys. So I have crafty peanut, of course, my sister with me today to review squish because वो खुद ही push. अच्छा ठीक है squish क्योंकि वो खुद ही बहुत excited थी इसके लिए boba tea के लिए क्योंकि इंडिया में बहुत नया है and we were really excited to try. और guys इसका hype बहुत ज़्यादा है मेरे friends और बाकी जगह पे so I'm really excited to try this और मैं अपना school skip करके ये video बनाने के लिए आई हूँ तो please एक video को एक like ज़रूर देना और मेरे channel का link अगर आपको description में ना मिले तो आप comments में जाके please मेरे channel को subscribe भी कर देना. So now guys, let's start the video. So guys, ये है बोबा टी का डब्बा जो होगी ताइवान जिसके अंदर से ताइवान से जो इम्पोर्ट किया गया है. ये बॉक्स बड़ा कलरफुल सा है, इसमें सारी रेसिपीज भी दी है. नाउ ओवर टू फूड टूर. सो अब हम इसको पीछे लेके, अरे यार पीछे तो कुछ है ही नहीं, हमें लगा था इंस्ट्रक्शन होगी. पीछे नहीं है, साइड में. साइड में इंग्रेडिएंट्स है यार, सिर्फ इंग्रेडिएंट्स है. ये रही ना इंस्ट्रक्शंस. क्या यार तू, और ये क्या है, कैलोरी इन्फो, जिसका हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमें कोई वो नहीं है. फालूदा, लस्सी, पता नहीं. अच्छा इसमें बाकी चीजों का भी है, एनीवेज हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. अरे रुक तो जाए, ये तो यहाँ दिखाने तो दे उनको क्या है यहाँ पे. ये अच्छा पैकेजिंग डेट है. ओके तो हाउ टू स्क्विश. ओके तो बेसिकली इसके अंदर हम 8 बना सकते हैं और 4 हैं, तो मतलब हर एक फ्लेवर के 2 बना सकते हैं. तो लेट्स गेट इनटू द बॉक्स. बॉक्स खोलने से पहले मैं आपको बता देती हूँ इसका प्राइस था लाइक 1100 समथिंग. अमेजोन से मैंने परचेज करा था. मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. सो गाइज, ये रहा हमारा बॉक्स जिसके अंदर 2 ओके क्वालिटी के लो ASMR वाले थोड़े से ये जो हम नहीं यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास अपने हाई क्वालिटी जार्स हैं. मैडम इसमें एक बार बना के तो दिखाएंगे ना कैसे दिखती है. यस, क्योंकि वो क्लियर ज़्यादा है उससे और वो ग्लास. हाँ, मतलब कैसे, बट वैसे हमें इसकी क्वालिटी इतनी पसंद नहीं आई है. और इसके 2 ढक्कन में जो भी लो क्वालिटी हैं. यस, तो अपना ऑर्गेनाइजेशन सेशन ऑर्गेनाइज करते हुए फिर उसके बाद हमें मिले हैं ये प्री मिक्सेस जिसमें 4 अलग अलग फ्लेवर्स हैं. इलेक्ट्रिक फिल्स की 2 पैकेट्स, पर्पल ब्लास्ट इनके भी 2 पैकेट्स, एंड साउथ ट्विस्ट की 2 पैकेट्स, एंड द लास्ट फ्लेवर वी हैव इज कैफीन ओवरलोड. अच्छा तू सबसे ज़्यादा किस फ्लेवर के लिए एक्साइटेड है? मेरे लिए इलेक्ट्रिक फिल्स क्योंकि वो ब्लैक करंट फ्लेवर. इलेक्ट्रिक फिल्स नहीं, मेरे पर्पल ब्लास्ट क्योंकि मैं ब्लैक करंट बचपन से ऑब्सेस्ड हूँ, एंड प्रोबेबली सावो ट्विस्ट क्योंकि इसमें 1 लेमन आइस टी और दूसरा ग्रीन एप्पल है. और मैं कैफीन ओवरलोड ऑफ कोर्स, मतलब बचपन से एडिक्टेड नहीं हूँ कैफीन से, बट बड़े होके आई एम लाइक आई लव कॉफ़ी. सो अबाउट दिस वन, नाउ हम बोबा टी पर थोड़ी सी नज़रें डालते हैं. फर्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक फिल जिसमें मैंगो फ्लेवर है जिसके लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. इन बट पैकेजिंग की क्वालिटी को इतनी अच्छी नहीं अगर आप देखोगे ये, मतलब आई डोंट थिंक सो हम इसको कभी डब्बियों को रीयूज़ भी कर पाएंगे. एंड दिस लाइक मतलब ये बोबाज ऐसे दिखते हैं इसके अंदर ऐसे. नेक्स्ट हमारे पास कैफीन ओवरलोड की बॉक्स है, ऐसी 2 बॉक्स है. ये रहा दूसरा वाला ग्रीन एप्पल. नेक्स्ट हमारे पास है मेरा फेवरेट पर्पल ब्लास्ट जिसमें लेमन बोबा बॉल्स हैं. इसके भी 2 है हमारे पास. यस, तो इससे हमारे बोबा बॉल्स ख़त्म होते हैं. अच्छा ग्रीन एप्पल बोबा बॉल्स जिसके लिए मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ. देन वी हैव नाटेड कोको जिसका हमें भी नहीं पता मतलब क्या होता है. अगर आप इसके बारे में जानते हो तो प्लीज़ हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ क्योंकि हमें लिटरली नहीं पता कि क्या. और हमें इन 3 ड्रिंक्स में डालना है, सिर्फ कैफीन वाले में नहीं डालना है. बट इसकी इतनी हाइप थी वी कुडंट लाइक रेजिस्ट बाइंग दिस. अरे इनको और तो दिखा. अच्छा सारे सेम ही है यार, एंड वो 6 है और हमारे पास बाकी 2 है कैफीन के अंदर डालने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क जो कि मैं एक बार ट्राई करूँ जिसका खाली का इसका भी मत खाना, इसका टेस्ट बहुत गंदा होता है. एंड नेक्स्ट इस बॉक्स की सबसे हाई क्वालिटी चीज़ जो है बोबा स्ट्रॉज. सो पर्टिकुलरली दीज, ये वाले स्ट्रॉज थोड़े से बड़े होते हैं लाइक इनका साइज थोड़ा मोटा होता है और ये मुझे बहुत कूल लगता है और ये सबसे ज़्यादा क्यूट चीज़ है इस बॉक्स के अंदर. और जब ये बॉक्स आया था ना तब भी आज तक मुझे लाइक ओह वाओ स्ट्रॉज कितने अच्छे हैं, इसको बोबा से कोई मतलब नहीं, स्ट्रॉज देखिए इसको सबसे पहले. और देखो गाइस गिनती के स्ट्रॉज नहीं दिए गए हमें यहाँ पे, 10 स्ट्रॉज दिए गए जबकि सिर्फ 8 बना सकते हैं हम. 2 आस्था के लिए एक्स्ट्रा, उन्हें पता था आस्था को पसंद है. चलो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आस्था बता कौन सा फ्लेवर ट्राई करना है. पर्पल ब्लास्ट था नहीं, इसको ओपन कर दिया है, धुएं शुएं भी निकल रहा है. सो इसका कोई कलर कुछ ज़्यादा खास नहीं है. हाँ जबकि इसमें ब्लूबेरी लिखा था, क्या था, ब्लैक करंट. हाँ ब्लैक करंट के साथ मेरी बहनों के पता भी नहीं है. ये कलर जो कि बहुत अजीब है,
ब्लू ब्लैक करंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा। चलो नाटेड कोको डाले, रुक उनको दिखाते सही नाटेड कोको वॉटर। ये याद है मोगू मोगू लाए थे उसके अंदर जैसा था ये वैसा है। वाला है बोबा आर हीरो इंग्रेडिएंट मेरा फेवरेट स्ट्रॉ मिक्स करते हैं। सो गाइस ये फाइनल लुक में कुछ ऐसी तरह लग रहा है यार, दिखने में कूल लग रहा है। ये कॉफी सॉर्ट ऑफ लग रहा है बल्कि ये ब्लैक करंट फ्लेवर है। अब हम इसको आपको ट्राई करके बताते हैं। रुक इसकी फोटो तो खींच के देखते हैं। ढेर सारी फोटोग्राफी के बाद अब हम इसे ट्राई करेंगे। इतना मीठा ना अजीब सा, जिंदगी में कभी ना पी उसको। हमारे 1100 रुपये कचरे में जा चुके हैं। ये फ्लेवर तो एटलीस्ट बिल्कुल वर्थ इट नहीं था। दिखने में ठीक है अच्छा है, बट इतनी हाइप क्यों है जब ये इतना अच्छा नहीं है। नाटाडे कोको इज बेसिकली छोटी छोटी जेलीज के पीसेस हैं बस, और भी बड़े अजीब से। नेक्स्ट गाइज वी गोना ट्राई माई फेवरेट कॉफी नाउ, प्लीज आई डोंट वॉन्ट टू रुइन माई अनदर टेस्ट बड। चलो अपन भरते हैं पानी। हमें इसमें डालना है ये दिखने में ऐसे अजीब सा, मतलब ऐसा लगता है पाउडर्ड मिल्क को ना इन्होंने लिक्विड फॉर्म में डाल दिया। ये रहा हमारा फाइनल। अब इसके अंदर हमें डालना है बोक। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी कॉफ़ी जैसी है। हाँ है ना, तो अब हम इसको, मेरे को थोड़ी चीज़ वाइन लग रही है। ये ऐसा दिखता है। सो दैट वाज इट, स्ट्रॉ कैंप ना। और ये हो गया है हमारा मिक्स। इसके नीचे आप थोड़े से बोबा बीज देख सकते हैं कुछ कुछ, जैसे मैंने यूजुअली स्लाइम में बनाया है, बट ये बहुत कूल लग रहा है। हाँ दिखने में बहुत अच्छा। चलो फिर इसकी फ़ोटो खींचते हैं पहले। ओके फ्लेवर इसका कॉफ़ी जैसा है, बट आई डोंट नो व्हाई ऑन अर्थ इट हैज़ दिस पार्टिकल इनसाइड। स्ट्रॉ के अंदर नहीं है ये बोबा, इसके अंदर आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। सो गाइज हमने बाकी दो फ्लेवर्स भी बना ली हैं। ये वाला है साउथ ट्वेस्ट एंड दैट वन इज इलेक्ट्रिक फिज। मुझे ग्रीन एप्पल ज़्यादा पसंद नहीं आता, बट ये वाला उतना भी बुरा नहीं है। इसको हम ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं। ओके जो साउथ ट्वेस्ट है उसका टेस्ट बिल्कुल लेमन आइस टी जैसा, बट जो उसमें नाटेड कोको है ना उससे उसका फ्लेवर थोड़ा अजीब हो गया है। सो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा, सो या आई स्टैंड मी डिडंट लाइक इट एट ऑल। वी आर एक्चुअली डिसअपॉइंटेड एंड डू गिव इट लाइक नो, अ कंप्लीट नो फ्रॉम आवर साइड। डू लेट अस नो इफ यू लाइक दीज, बट वी एक्चुअली डिडंट।